नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। वैसे तो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है सागरिका के बारे में, इफको नैनो यूरिया के बारे में, और ये जो 18-18 होता है इसका मैंने ड्रिप से चढ़ाने का वीडियो बताया हुआ था, जो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इफको का जो स्टाफ है पूरा डिटेल्स हमें देंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले आपको इफको परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। जी भैया धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम शशि कुमार हुआ। अच्छा, जो इफको का स्टॉल लगाया गया है इसका लीडिंग आप ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका लीडिंग हम ही कर रहे हैं। अभी हम सारण जिला में पोस्टेड है एज ए SFA, और इसके साथ साथ हमारे फील्ड अफसर श्री सचिन प्रताप सिंह जी दोनों लोग मिल के इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा भैया, इस बार इफको क्या नई लाई है हमारे किसान भाइयों के लिए? इफको द्वारा जो है नैनो यूरिया, ये एक वरदान है। अच्छा अच्छा। जो बोरी यूज करते थे उसके जगह पे ये बोतल आया है। अच्छा, अच्छा। और इसका जो प्रयोग है ना बिल्कुल इजी है, इसका प्रयोग बस ये करना है, स्प्रे करना है, लेकिन अच्छा। कुछ सावधानियां बरतनी है। ठीक। जैसे आपसे कुछ बातचीत हो रही थी तो ये बताया, इसका जो है स्प्रे जो है ना 25 से 30 दिन का पौधा तब करना। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे किसान भाई को शिकायत होता है कि हम स्प्रे किए लेकिन फायदा नहीं हुआ। हाँ। तो उसका क्या गलती रह जाता है जिसके कारण फायदा नहीं होता है? इसका क्या होता है, जब पौधा छोटा अवस्था में होता है तो उस समय पत्तियां पूरे नहीं रहती है, जिसके कारण फर्श पे चला जाता है। तो अगर फर्श पे चला जाएगा तो वो बेकार हो जाता है। अच्छा, अच्छा। इसका छिड़काव पत्तियों पे करेंगे तो पत्तियों में जो स्टोमेटा और रंध्र होती है उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने के कारण वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, और अच्छा। स्टोर करते जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे उसका प्रयोग करती है। जैसे आपको एक चीज बताया कि जैसे जो खाने के लिए हम लोग अनाज रखते हैं धीरे धीरे प्रयोग होता है तो एक समय आता है कि खत्म हो जाता है, उसी तरह से जो है ये भी धीरे धीरे प्रयोग करता है, लगभग 20-25 दिन तक चलता है। अच्छा भैया, और क्या नया है हमारे किसान भाई को? अच्छा एक बात बताइए, ये जो सागरिका है ये हम हर किसान के पास देखते हैं, चाहे ए वाला हो गया, ग्रेनोस हो गया या फिर ए, तो इसका क्या कारण है, इसमें क्या खासियत है, इस बारे में बताइए। ये जो सागरिका है ना काफी अच्छा है, ये सी वीड से बनाया गया है। अच्छा, यानी कि जो समुद्री घास है उससे बनाया गया है। अच्छा अच्छा। इसमें जैसे एक चीज आपको बता सकते हैं, जो धान के खेत है उसमें हरा हरा काई रहता है। अच्छा। हाँ, नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी, यानी हरा शैवाल। अच्छा अच्छा। तो उसमें उस खेत का उपज अच्छा होता है। उसी तरह से समुद्र में भी हम लोग जानते हैं क्या था, खनिज पदार्थ होता है, पढ़े भी है। उसी तरह से उसमें जो लाल और भूरा शैवाल है उसी को निचोड़ करके ये बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। इसका डोज क्या होता है, मतलब इसका एक लीटर पानी में 2 से 4 ml, अगर पौधा छोटी हो उस समय 2 ml, और यदि बड़ा हो तो 4 ml। अच्छा, ये जो लिक्विड सागरिका है और ग्रेन्यूल्स है इसमें फर्क क्या है? जैसे देखिए, ये जो बेसल डोज में होगा तो अच्छा, दाने का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब इसका छिड़काव जब भी होगा तो पत्तियों पे होगा, अगर जमीन पे करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब शुरू में जब खेत तैयार किया जा रहा है उसमें बेसल डोज दे सकते हैं, और यदि पौधा बहुत बड़ा है छिड़काव नहीं कर सकते तो उसके जड़ पे ये दे सकते हैं, सेम चीज मिल जाएगा। इसका क्या डोज होता है? अच्छा हाँ, देखिए सबसे पहले इसका देखिए, ये ग्रेनुअल्स है तो ये आपके पौधे के अनुसार, अगर पौधा में देना चाहते हैं तो 150 ग्राम दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और यदि इस तरह से आप छिड़काव करना चाहते हैं खेतों में तो आपने देख सकते हैं कि फसल के अनुसार कौन सी अच्छा, फसल उसके अनुसार से 1 एकड़ तक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे 10 कट्ठा से 1 एकड़। जैसे फसल का जैसे एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे 3 महीने से या 4 महीने का फसल है उसमें कितनी बार इसका स्प्रे करना है? देखिए, इसका 2 बार स्प्रे करेंगे ये काफी है। एक बार स्प्रे भी कर सकते हैं कितने दिन पर? देखिए, एक तो जब सबसे पहले जो पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए तो उस समय करेंगे, अगर इसके साथ नैनो यूरिया के साथ करते हैं अच्छा, तो इसका अच्छा। एक और खासियत होता है कि जो दोनों की जोड़ी है ना अच्छा। ये बेजोड़ जोड़ी बन जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका अकेले मतलब यूज करने से अच्छा है दोनों मिक्स कीजिए, देखिए अकेले नहीं करना हाँ, चाहिए। ये चीज आपको क्या कारण है? ये देखिए, आपको क्या किया जाता है कि ये नैनो यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, लेकिन पौधे को 17 तरह के पोषक तत्व चाहिए, तो और भी पोषक तत्व की कमी होती है। हम लोग जनरली खेती 3 चीज से कर लेते हैं, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। हाँ। 3 तो वायुमंडल से मिल जाता है, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी सब पोषक तत्वों की भी तो जरूरी होती है। हाँ, बात तो सही, आपका बिल्कुल सही है। उसी तरह से ये नैनो यूरिया नाइट्रोजन का काम करता है, और ये क्या करेगा, पौधे को इतने मजबूत बना देगा कि पौधे जमीन से पोषक तत्व लेने लगते हैं, और कुछ पोषक तत्व इसमें पाए भी जाते हैं। साथ साथ ये जो फल फूल सब्जी हुआ उन सब में चमक बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है। अच्छा, अगर दोनों का मिक्स करके अगर स्प्रे करते हैं तो क्या क्या डोज रहेगा इसके बारे में बताइए? देखिए, दोनों के लिए 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml, इसका भी 2 से 4 ml, इसका भी 2 से 4 ml। अच्छा, 2-4 सवाल हम फास्ट पूछते हैं आपसे। हाँ, हाँ। जैसे बहुत सारे किसान का सवाल होता है कि जैसे इफको नैनो यूरिया का किस मतलब ये खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं? इसको 18-18 के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 19-19 NPK के साथ कर सकते हैं, 17-44 के साथ कर सकते हैं। इसका सागरिका के बारे में बताइए, जैसे इसका इसके साथ तो कर सकते हैं, सब जानते हैं, 18-18 के साथ कर सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। और एक चीज इसको बता देते हैं, ये समझिए, जब सोल्यूशन थोड़ा बनाएंगे, अगर सोल्यूशन बनाते समय यदि नहीं फटा तो स्प्रे कर सकते हैं।
ये बहुत बेसिक बात है। हाँ। किसान भाई अगर कोई भी दवा आप मिलाते हैं, जैसे कोई अगर कीटनाशक भी आप मार्केट से लाते हैं, हाँ। नया कीटनाशक है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो पहले उसको सिर्फ दो दवा के साथ मिक्स करें। अगर थोड़ा सा अगर वो फट गया तो मतलब वो खराब हो जाएगा, वो स्प्रे साथ में नहीं करना, नहीं करना है। बस सिंपल सी लॉजिक से पूछने से अच्छा है कि आप खुद चेक कर ले कि कौन से दवा के साथ सूटेबल है, कौन से दवा के साथ नहीं फट रहा है, और जिसके साथ फट रहा है उसका प्रयोग कभी ना करें। तो जैसे मैं अगर कीटनाशक वगैरह के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नैनो यूरिया के साथ भी 61 तरह के कीटनाशक बहुत सारे दवा का प्रयोग कर सकते हैं, केवल घास मारने वाली दवा का छोड़कर, क्योंकि वो मारने का काम करेगी, ये जिलाने का काम करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि घास मारने वाले दवा के साथ इसमें से किसी दवा का प्रयोग नहीं करना। और एक तो आपको बता दिए कि ये फटे ना वो देख लेना, हां फटे ना उसका ध्यान आप रखें। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे किसान भाइयों को सवाल होता है, जैसे बहुत सारे लोग खेती छोटा थोड़ा बहुत करते हैं, नर्सरी के रूप में करते हैं या फिर घर पे छत पे फार्मिंग वगैरह करते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत खाद की जरूरत है तो क्या ऑनलाइन मंगा सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए आपको इफको बाजार के वेबसाइट से www.ifkobazar.in पे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करके आप 10 केजी तक का खाद घर पे मंगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसमें दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और घर पे आने के बाद कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगा, दोनों है ऑप्शन। और इसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है, डिलीवरी चार्ज कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके साथ साथ इफको बाजार को और भी इफको के जितने प्रोडक्ट है सभी मिल जाएंगे 10 केजी तक। अच्छा, एक बार हम भी 10 केजी मंगवाए हुए थे मतलब इफको से, मतलब उस पर बार बार कभी कभी डिस्काउंट भी मिल जाता है, ये फायदा होता है। हाँ, उस पे क्या होता है, एक तो रहता है उस पे 4% जो रहता है वो रहता है हमेशा, 4% आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमेशा कैशबैक मिलेगा, वो मिलेगा आपको पॉइंट के रूप में, फिर अगला प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्रमोशनल किट आता है, प्रमोशनल फार्मर के लिए किट आता है जो 1150 के 240 में हो जाता है, कभी 540 पे, कभी 340, इस तरह का ऑफर रहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन लेने में और फायदा है। हाँ, ऑनलाइन भी ले सकते हैं सभी प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों अगर आप ऑनलाइन खाद बीज मंगवाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार भैया फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, जैसे www.ifkobazar.in और थोड़ा सा इसका भी हम जिक्र करना चाहेंगे। ये क्या है इसके बारे में बताइए तो? एनपीके लिक्विड कंसोर्टिया जय उर्वरक है। अच्छा अच्छा, इसमें ये नया देखे हैं हम। हाँ, ये नया देखे, ये हम यूज नहीं किए हैं। देखिए ये पहले से, इसमें जैसे क्या होता है हमारे जो खेत में बैक्टीरिया है ना, लाभदायक बैक्टीरिया, वो मरते जा रहे हैं केमिकल के प्रयोग से। अच्छा अच्छा, तो ये क्या करता है कि ये लैब में बनाया जाता है बैक्टीरिया, और इसमें एक बैक्टीरिया करोड़ों बैक्टीरिया को जन्म देती है। अच्छा अच्छा, इसके साथ ही क्या होता है, जैसे वो बैक्टीरिया जनन करेगा और जितने भी हमारे पहले से फॉस्फोरस पोटास नाइट्रोजन जो जमीन में फिक्स है उसको खाएगी अपने लिए। हाँ। और खा करके मर जाएगी, तो उसको पौधा ले लेंगे, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल 1 से 2 दिन वो पौधा को मिलते रहता है, वो जनन करते रहते हैं। तो इसका प्रयोग से आप डीएपी यूरिया पोटास को कम मात्रा भी थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अगर लगातार 2-3 साल तक प्रयोग, इसको देने का मतलब तरीका क्या है, इसको जमीन में देना होगा? इसको जमीन में देना, इसका छिड़काव नहीं करना है। और जमीन में देने के लिए 1 लीटर 27 कट्ठा में दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको या तो देख सकते हैं आप, ये बीज में दे सकते हैं मिला करके, या फिर आप गोबर की खाद में। जैसे ये तो लिक्विड है, तो बीज में किस तरह से मिलाएंगे उसके बारे में बस बीज में रखेंगे, बीज में इसको खोल करके डालेंगे और इसको इस तरह से मिला करके 2 घंटा छांव में सुखाएंगे, घाम में नहीं, धूप में नहीं, छांव में सुखाना है उसके। और या फिर आप चाहे तो गोबर की खाद में मिला करके दे सकते हैं, राख में मिला करके दे सकते हैं। अच्छा, या फिर पहला पानी जब देते हैं, अच्छा, अच्छा, तो उस समय इसको इसमें छेद कर दीजिए। हाँ। छेद कर दीजिए और वो बूंद बूंद चुआ दीजिए, पूरा खेत में फैल जाएगा। अच्छा अच्छा, या फिर ड्रिप के साथ जो देते हैं, ड्रिप के साथ में भी करेंगे तो काफी अच्छा है। केवल इसको स्प्रे नहीं करना है क्योंकि बैक्टीरिया जीवित है, मर जाएगा। अच्छा, स्प्रे नहीं करना है, मतलब सिर्फ ऐसे दिया जाता है। ये 90 रुपए की है। इसके साथ है एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जैसे इफको सारण, इफको छपरा सारण से एक फेसबुक पेज है, उस पे जितने भी आपको नैनो यूरिया से संबंधित, सागरिका से संबंधित, जैव उर्वरक से संबंधित जो भी है वो सब आपको उस पे मिल जाएगा, उसको फॉलो करके ले सकते हैं इफको छपरा सारण से, या फिर पूरे इसमें सारण जिला के मिलेंगे। और पूरे देश का देखना चाहते हैं तो इफको का आप सब्सक्राइब, इफको का चैनल को फॉलो करेंगे तो वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ खेती से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो एक हमारा चैनल है किसान समृद्धि, उस पे आप देख सकते हैं। किसान समृद्धि चैनल है, उस पे सब चीज आप देख सकते हैं। दोस्तों इफको एनपीके 18-18 और भी सभी प्रकार के खाद कम समय में अपने खेतों में किस तरह से चढ़ाएं, इसके लिए एक जुगाड़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो इफको बाजार कैसे खोले और इफको सागरिका या फिर नैनो लिक्विड यूरिया के बारे में और सारी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।